हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो है सॉरी रेडमी 13 फ़ोन है, तो रेडमी 13 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप लाइव वॉलपेपर्स को कैसे आप हटा सकते हैं एंड आप लाइव वॉलपेपर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स को आप कैसे हटा पाएंगे अपने फ़ोन में और कैसे रिमूव कर सकते हैं लाइव वॉलपेपर्स को अपने फ़ोन सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स को कैसे हटाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन ओपन हो जाएंगे जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर लाइव वॉलपेपर्स को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, लाइव वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं, सिंपली हटा सकते हैं। सिंपली आपको जाना है वॉलपेपर सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही वॉलपेपर सेटिंग्स से ओपन हो जाती है। इसमें फाइंड मोर पे जाना है जहाँ से माई अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको वॉलपेपर्स पे चले जाना है। जब आप वॉलपेपर्स पे जाते हैं तो आप इस पर जाकर भी वॉलपेपर्स को फ़ोन में लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसलिए आपको लाइव वाले पे जाना है, हटाना है तो आप कोई भी नॉर्मल वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से भी कोई भी एक वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, इसका आप यूज़ कर पाएंगे और फ़ोन में लाइव वॉलपेपर्स को हटा सकते हैं। कुछ इस तरह से नॉर्मल वॉलपेपर स्क्रीन पर लगा सकते हैं और लग जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।